वी आर ट्रैवलिंग टू कैंडी फॉर द पाकिस्तान इंडिया मैच। मौसम की एक्सपेक्टेशन तो अच्छी नहीं थी, बट आज सुबह जब देखा तो मौसम बहुत ही शानदार था। यू कैन सी यहाँ पे द स्काई इज आउट, क्लाउड कवर इज गॉन। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये देखें, ये पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया के मैच की तैयारी हो रही है। जी तो यहाँ पे हम आए थे इनको पिक करने, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि ये लोग अभी रेडी नहीं हुए। इन लोगों ने हमें सुबह 9 बजे से रेडी करके रखा है। साढ़े घर तो सी असी रेडी नहीं है। 11 बज रहे हैं। घर से चाय भी क्या नहीं थी ना आपने? तो घर से क्या मतलब, तुम हम मेहमान है, तुम लोग हमारे लिए बनाओ। कड़े मेहमान ना जान ना बेजान साढ़े मेहमान है। हद हो गई यार, पाकिस्तान से तुम लोग के लिए स्पेशल मैच देख रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो एक साल से, तुम लोग को बिल्कुल भी एहसास नहीं कि टाइम बहुत 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 और हमारे साथ एक बकरा भी है बेचारा, नई नई शादी हुई। छतरा छतरा कहते हैं ये वाला। तो बस जी अभी हम यहाँ पे कोलंबो से निकल जाएंगे 10 मिनट में। टाइम क्या हो रहा है इस वक्त? अभी हो रहा है पौने ग्यारह हो रहे हैं। होपफुली हम 2 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन रश बहुत होने वाला है। रश बहुत होने वाले और हमें जल्द जल्द निकलना पड़ेगा। लेट्स मूव। चलो ओके गाइस, सी यू देयर। वी आर रेडी टू लीव फॉर कैंडी। गाड़ी में बैठ गए हैं बॉयज। लेट्स सी आगे क्या सीन बनता है। मौसम तो अच्छा है और इट विल टेक अराउंड 3.5 आवर्स, विल टेक यू थ्रू द जर्नी। अच्छा जी, वी आर ऑन आवर वे टू कैंडी। हमारे साथ इमरान सर। इमरान क्या कहना चाहिए? लिया हुआ यहाँ पे हम 5-10 मिनट्स का वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे राइट, और देन वी बी हेडिंग टूवर्ड्स कैंडी। यहाँ से अराउंड 1 घंटे की और ड्राइव है एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड विद रिस्पेक्ट टू द रेन। आई होप के क्लाउड स्टे अवे। देखते हैं, लेट्स सी। सो जी वी हैव स्टॉप्ड एट अ पिट शॉप ऑन द वे। हमारे साथ इमरान भी है। दिस इज एक्चुअली अ मुस्लिम शॉप। इमरान कौन कौन है यहाँ पे? बेसिकली मुस्लिम मेरी यहाँ पे 5, मैंने उनसे पूछा है, 5 मस्जिद है यहाँ पे। हाँ मस्जिद आपको मैं दिखा दूँ अगर। दिस इज़ अ मॉस्क राइट इन फ्रंट ऑफ द शॉप। और यहाँ पे पाकिस्तानी सपोर्टर्स भी हैं। ओह नाइस। आज लोकल फ्रॉम श्रीलंका। हाँ सपोर्टिंग पाकिस्तान। लोकल लोग मिले हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। या वी आर गोइंग टू कैंडी। ओह पाकिस्तान इंडिया मैच। अच्छा कुछ पाकिस्तानी हमारे सपोर्टर्स भी मिल गए थे यहाँ पे, और ये पीछे आप मस्जिद वगैरह भी देख सकते हैं। हम आपको अंदर भी लेके चलते हैं और आपको शॉप ओनर से भी आपकी बात करवाते हैं। इट्स एक्चुअली मुस्लिम शॉप और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे हलाल खाने आपको मिलेंगे। अच्छा जी, हम यहाँ इस शॉप पे हैं। ये भाई है शॉप ऑनर, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम एरिया है। तो व्हाट्स योर नेम ब्रदर? माय नेम इज शादिर अली। शादिर अली, शादिर अली। यू आर श्रीलंकन? यस आई एम श्रीलंकन। ये श्रीलंकन और ये एरिया जो है यहाँ पे ज्यादातर जो शॉप है उनके नाम मुस्लिम मेंबर है माशाल्लाह। कैंडी से अराउंड 40 किलोमीटर से यहाँ से कैंडी 1 घंटे का रास्ता है। आपको लेके चलते हैं फिर।
सो गाइस वी हैव रीच्ड द पालेकर एयरपोर्ट स्टेडियम। अब यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे फैंस आए हुए हैं एंड इट्स अबाउट ऑलमोस्ट फुल हाउस और बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस यहाँ पे मौजूद हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा जी हम अंदर जा रहे हैं क्यू से और काफ़ी यहाँ मीडिया प्रेजेंस भी थी। जी वी आर इनसाइड द स्टेडियम और टाइट सिक्योरिटी चेक था यहाँ पे, इवन तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इतना इशू होता नहीं है बट स्टिल उन्होंने काफ़ी देर हमें क्यू में खड़ी रखा सबको, इंडियंस पाकिस्तानी सबको, और इवेंचुअली वी वर एबल टू गेट इनसाइड एंड बिल्कुल सामने हमारे स्टेडियम। लेट्स टेक यू इनसाइड द स्टेडियम। वी आर इनसाइड द स्टेडियम। डंडा उतरवा दिया साथ में, लेकिन दे दिया। अच्छा दिस इज द व्यू ऑफ द ग्राउंड, जस्ट ग्राउंड का व्यू देख सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल ग्राउंड, इट इज अबाउट टू बी फिल कम्प्लीटली। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देर स्टैंडिंग इन द क्यूज, दे आर गेटिंग देयर सिक्योरिटी चेक और आपको मैच दिखाते हैं। We have almost 3 out हो चुके हैं और बारिश की वजह से छोटी मोटी सी ब्रेक हुई है अभी एंड कवर्स आर कमिंग ऑफ एंड वी आर एक्सपेक्टिंग डब्ल्यू टू बी रिज्यूम शॉर्टली अराउंड 5-6 मिनट में। नॉट नॉट एक्साइटेड, मैंने आपको कहा था ना वो एमए नहीं है, ये देखें। अच्छा क्लाउड कवर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, बारिश रुक रही है और सीन ये बन रहा है कि थोड़ी देर में दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। हमारी टीम एंशियसली वेट कर रही है मैच का और ये हमारे बॉयज बैठे हुए हैं, ये हमारे बॉयज बैठे हुए हैं जी उदास चेहरों के साथ। देखते हैं हम कब तक स्टार्ट होता है, कवर्स तो उतर गए हैं। खुशी तरीन है स्टॉक और बेहतरीन मौसम हो चुका है, धूप निकल आई है एंड वी आर एंजॉइंग द क्रिकेट इन सी। दिस इज आवर व्यू, इट सीम्स लाइक हम न्यूजीलैंड में बैट के मैच देख रहे हैं। यू अब्दुल्ला, बिल्कुल आपको लग रहा है हम न्यूजीलैंड में बैट के मैच देख रहे हैं? मौसम बहुत प्यारा, बहुत प्यारा मौसम, बहुत प्यारा मौसम। यहाँ पे हम फूड स्टॉल्स पे भी आए हैं। अगर फूड स्टॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पे ये कील्स के क्रेस्ट इनका ब्रांड है, इनके पास हॉट डॉग्स होते हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये बियर का स्टॉल है फॉर इंडियंस, और फिर हमारे पास जो कि आमतौर पर KFC का ब्रांड है यहाँ पे, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा हट भी है। काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस हैं बट थोड़े एक्सपेंसिव हैं नॉर्मल रेट से, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये अराउंड मिड इनिंग्स ब्रेक होने वाली है, हम यहाँ आए हैं ये स्टॉल्स के ऊपर। यहाँ पे आइसक्रीम मिल रही है बड़ी अच्छी, इट्स अराउंड 100 रुपीज़। नान, हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ द मैच? यार मैच से ज़्यादा जो यहाँ पे वेदर कंडीशन है ना, इट्स एब्सोल्युटली एक्साइटिंग और पैसा बताओ स्टनिंग आउटस्टैंडिंग। इस माहौल में हम जो मैच देख रहे हैं, हवा चल रही है बहुत खूबसूरत, इट सीम्स लाइक हम न्यूजीलैंड में मैच देख रहे हैं। लिटरली जो यहाँ पे ठंडी हवा का मजा आ रहा है ना, हम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके हमें भीड़ मिली अभी ईशान किशन की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-3 और विकेट्स गिरेंगी, इनका जो टोटल 300 पे जा रहा था वो अराउंड 260 पे रुक जाएगा। लेकिन 204 रन हो गए और 12 हमारे पास 13 ओवर पड़े हैं, थोड़ी
एक्सपेक्ट है? 300 तो हमारे 13 ओवर्स में से सिर्फ एक ओवर स्पिनर का, बाकी सारे फास्ट बॉलर्स के। तो हम एक्सपेक्ट है ना, हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि रोक लेंगे। 300 अच्छा जी, इंडिया आउट हो चुकी है, 266 की ऑल आउट एंड आउटस्टैंडिंग कमबैक फ्रॉम पाकिस्तान, आउटस्टैंडिंग कमबैक फ्रॉम पाकिस्तान, क्या बात है। पाकिस्तान ने फाइनली बहुत बहुत अच्छा कमबैक किया और नसीम शाह ने आखिरी दो भी रिश्ते हैं, क्या कमबैक है। लेकिन होपिंग है पाकिस्तान अब जीतेगा। और थोड़ी सी बुरी बात यह है कि बारिश स्टार्ट होने लगी है। बड़ा कमबैक फ्रॉम पाकिस्तान, 300 क्रॉस कर जाएगा। नहीं, आई टोल्ड यू बिफोर है कि 280 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैच उनकी बैटिंग चल रही थी, मुझे लग रहा था कि नहीं यार 300 तो हो ही जाएगा। बॉलर ने बहुत शानदार कमबैक किया और एक आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलर। शाहीन शाह ने आगे जो दो विकेट लिए हैं और उसके बाद टीम ने लिए, दैट वाज बेहतरीन बेहतरीन। बारिश आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है और कवर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। यू कैन सी यहाँ पे कवर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं और सिचुएशन थोड़ी लग रही है कि डकवर्थ लुईस मेथड के तहत थोड़े बहुत ओवर्स जो हैं वो लूज होंगे। आई थिंक दैट माइट बेनिफिट पाकिस्तान, प्रॉबेबली आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इंडिया की सारी विकेट्स गिर चुकी हैं। जी इस वक्त यहाँ पर एक घटना घटी है, यहाँ पे दो तीन जो है, दो तीन हरामी लोग जो है वो पिज्जा बेच रहे थे 500 रुपए का एक स्लाइस। तो यहाँ पे हमारे एक मसूम हमें ग्राहक मिले हैं जिन्होंने 500 रुपए का स्लाइस लेनी है। तो बताएं क्या वाक क्या क्या आपकी सर घटना घटी, बताया ऊंची बोलिए जनता को आपकी बात नहीं आ रही। उन्होंने मुझे बताया कि ये पिज्जा बिल्कुल गर्म है। अच्छा। और हम इसके साथ केचप भी दे रहे हैं। ठीक है। तो जब मैंने लिया पिज्जा बिल्कुल ठंडा। अच्छा। और आधा आधा स्लाइस था। तो पेमेंट आपने इनको बाद में दी है? पेमेंट मैं कर चुका हूँ। अच्छा। पेमेंट नहीं की, पेमेंट की नहीं, पैसे ले लिए मुझसे, पेमेंट की नहीं। अच्छा, मैं जो बात समझ रहा हूँ आपको लगता है मांगने की कोशिश। अच्छा, आपके मुताबिक ये पिज्जा जो है 300 रुपए में ले लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये 250 में ठीक है। 300 में नहीं, ठीक है। तो आप 500 का दिया। आपके पास कोई रेमेडी कस्टमर कोर्ट के पास आप गए? नहीं, अभी फिलहाल तो मैं गया। आप मेरी बात को आगे बोल रहे हैं। मैं हमें ये हम आगे जज साहब के पास, जज साहब मेरा जो हो गया, मैं मसला समझ रहा हूँ। आप बताएं आपके पैसों वाला मामला तय पा गया या नहीं पाया? नहीं पाया। मैं नाजरीन आपको सबसे पहले उस नटिया शख्स से मिला देता हूँ जो ये इधर आए। ये नाजरीन अपना चेहरा छुपा रहा है। और ये उसका चेला है। एक तो मैंने 20 बेचा है। ये गैंग है, पिज्जा गैंग। अगर ये आपको मिले नहीं है अभी भी देखिए, ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ। आपको शर्म नहीं आती? मक्खियां बैठ रही है उसके ऊपर, आप बेच रहे 500 रुपए का। लेकिन लोगों ने खा भी लिया। अनबिलीवेबल नाज़रीन, कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पिज्जा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हालांकि मैं केएफसी की तरफ जा रहा था, पिज्जा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मार्केट में पिज्जा की डिमांड खुद ही बनी है, हमने क्या रेट में की डिमांड। तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद खुद डिमांड क्रिएट हो जाती है। उतारो अपनी यारों को उतारो। नाज़रीन, इस शख्स के चेहरे पे देखिए फटकार पड़ी हुई है। अपडेट्स ये हैं कि बारिश हल्की हल्की लगी हुई है, कवर्स आर ऑन द ग्राउंड और हम इंतज़ार में लगे हुए हैं। इट माइट टेक 30-40 मिनट्स टू टेक देम ऑफ। बारिश हल्की हल्की है लेकिन रुक जाएगी और ये हालात हो चुके हैं बॉयज़ के, सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं बैठ बैठ के और इंतज़ार कर करके। सर, वेरी बैड न्यूज़, बारिश की वजह से मैच अबैंडन हो चुका है और हम काफ़ी दूर से आए थे कोलंबो से, कैंडी यहाँ 3.5 घंटे का रास्ता होगा और इतने दूर आके मैच अबैंडन हो गया। थोड़ा सा अफसोस है, पाकिस्तान जीतने वाला था मैच, लेकिन जो तकदीर में लिखा हो इट हैपेंस। कौन है?
लोग तो नहीं थे, ये लोग तो नहीं थे, ये अक्षर पटेल।